नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। विवादों के साथ साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि भी बढ़ रही है। इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में भी बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और बवाल खड़ा कर दिया है। देखिए हमारी इस पर ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जितने विवादों में घिरे रहे हैं उतनी ही उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बाबा के जितने विरोधी हैं उतने ही भक्त भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन अपने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज में दिए अपने एक बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि राम हमारे बाप हैं, हिंदू धर्म बहुत सौभाग्य से मिलता है तो राम बोलने में कैसी शर्म। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना ही होगा। उनके इस तरह के बयानों से लगता है कि मानो धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खा ली है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अगर धर्म पर घात किया जाएगा तो मैं प्रतिघात करूंगा, हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बोल दिन पर दिन भड़काव होते जा रहे हैं। वह हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात बोलते रहते हैं जिस पर विवाद होना तय है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के कायरों, कपटियों और क्रूर लोगों से बड़ा खतरा है, ऐसे लोग धर्म और देश दोनों का नुकसान करते हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं न तो राजनेता हूँ, न राजनीति करता हूँ, न ही मीडिया में जगह पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, यह प्रार्थना हिंदू राष्ट्र के लिए है। बहरहाल फिलहाल तो धीरेन्द्र शास्त्री के बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा कि उनके इन शब्दों का वार देश पर क्या असर करेगा और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर फैला विवाद कहां जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।